हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में ये बड़े बड़े हाथी जैसे डायनोस को हम टीम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉरापॉड। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ पे मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया, नार्कोटिक टैंक एरो बहुत सारे सामान भर भर के बना लिया। यहाँ पे बस मुझे ज़रूरत है तो आयरन की, ताकि मैं अपना आर्मर बना पाऊँ। और आर्मर बनाने के लिए अभी मेरे पास सिर्फ हाथ का बचा वो गॉन्टलेट पहन लेता हूँ। और यहाँ से गाइस निकलते हैं, मैं आपको अपना वर्क स्टेशन भी दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने भर भर के मेटल फार्मिंग के लिए बना के रखा है। वहीं पे हमारा आयरन ही बैठा हुआ है, मतलब अपना एंक्लोसॉर वहीं पे मैंने छोड़ के रखा है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा हम कहाँ पे मेटल फार्मिंग करते गाइस। तो अभी के लिए सारा सामान बिटोर के चलते हैं भाई ब्रोंटो को ढूंढने, यानी सॉरापॉड को ढूंढने गाइस। आपको सॉरापॉड तो पता ही होगा, ब्रोंटो पता ही होगा, जो कि बहुत सारे बेरीज इकट्ठा करने का पावर रखता है। और प्लस सबसे बड़ा डाइनो आर्क का वही मुझे दिखता है। सो गाइस, यहाँ पे एक अल्फा राप्टर मैंने देखा, जो कि 16 लेवल का है और 4000 की हेल्थ है, बहुत ही मैसिव है। लेकिन गाइस, मैं उसको टेक डाउन कर सकता हूँ। अपने वर्ल्ड में पीस लाने के लिए मुझे उससे लड़ना पड़ेगा गाइस, ताकि मैं अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाऊँ और पीस, मतलब भाई खतरनाक डाइनो से मुझे मुक्ति मिले। लेकिन देख सकते हो गाइस, वो बहुत तेज है। और कितना फास्ट है यार ये अल्फा, कितने फास्ट होते हैं, इतना तेज भाग रहा है और मेरे से डर के भाग रहा है गाइस। देख सकते हो, ये जहां से मैं आ रहा हूँ वहीं से ये वापस मुंह मोड़ के भाग रहा है भाई। पता नहीं क्यों नहीं मेरे पीछे आ रहा, मुझसे लड़ना चाहता है, लड़ना चाहता है गाइस। मेरे से गलती हो गया, ये लड़ना चाहता है मुझसे, वो मेरे बैठने का वेट कर रहा है। लेट्स गो गाइस। अब इसको देख सकते हो कितना गंदा मारता है यार, कितना गंदा, दूसरे डायनोस को खत्म ही कर देगा। देखो भाई, इतना दरिंदगी है भाई, इसको तो खत्म करना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस। यहाँ पे इसकी हेल्थ 3.5K हो चुका है। और भाई आजा 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 आजा, लड़ ले भाई, अपने बराबरी वालों से लड़ते हैं। ये प्यारे प्यारे डायनोस को पता नहीं क्यों भाग गया गाइस, भाग लिया। वैसे रैप्टर के नाम पे कलंक है ये, क्योंकि रैप्टर भागते नहीं है, रैप्टर लड़ते हैं। और ये लड़ नहीं रहा गाइस, देख सकते हो भाग ही रहा है ये क्या डरपोक है क्या भाई। आना आ गया गाइस, लेट्स गो, इसको खत्म करते हैं। एंड देखो भाई, अल्फा को मारने से ना आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो लेट्स गो, यहाँ पे देखते हैं हमें एक्सपीरियंस कितना मिलने वाला है। एंड ओके, देख सकते हो लेवल अप भी आ गया है। एंड अब यहाँ पे देखो, उसको हार्वेस्ट करने से बहुत सारा प्राइम मीट मिलने वाला है। लेकिन अभी हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आए हैं ब्रोंटो सॉरापॉड को टीम करने के लिए, तो हमें बहुत सारा वेट का ज़रूरत नहीं है फालतू का। तो लेट्स गो गाइज, यहाँ पे 229 लेवल का हमारा हॉक हो चुका है, यानी अपना प्यारा सा अर्जुन टेविस। सो गाइज, यहाँ पे 50 और 64 लेवल का ब्रोंटो है, शायद मैंने सही देखा, 50 और 64। ये तो बहुत कम है भाई, मेरे को कम से कम 100 से अबव या 90, मिनिमम 90 चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो रेक्स की धुलाई हो रही है ब्रोंटो से। यहाँ पे हम उसे इग्नोर करके हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ब्रोंटो चाहिए हायर लेवल का। तो लेट्स गो गाइस, आगे चलते हैं। एंड हमें एक पेट्रोडॉन भी देखना है गाइस अपने वर्ल्ड के लिए। ये देख सकते हो 12 लेवल का है, 80 लेवल का, काफ़ी सुंदर सा पिंक कलर का है, ये भी चलेगा भाई। 76 लेवल का है, बट हमें पेट्रोडॉन में भी गाइस आगे चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो एक कार्नो छोटे मोटे डायनोस को तंग कर रहा है। अच्छा बेटे, इधर पे लड़ मुझसे। डिप्लोडोकस 120 लेवल का है, मुझे लगा कार्नो 120 लेवल का, तो मुझे टेम करना पड़ जाता यार अगर इतना हायर होता तो। बट कोई बात नहीं, कार्नो तो बकवास था, 20 लेवल का कार्नो था, मर गया भाई। और लेट्स गो, यहाँ पे हमें ब्रोंटो देखना है। ये देखो पेट्रोडॉन 32 लेवल का, एक स्पाइनो भी इधर पे है। और ये वाला कितने लेवल का, 12 लेवल का। यार मेरे को हायर लेवल दो यार, क्या ये बच्चों जैसा छोटा मोटा देते रहे। 68 लेवल्स 44 लेवल यार 68 44, बहुत कम है 32। बट यहाँ पे हम आए हैं ब्रोंटो को टेम करने यार, पेट्रोडॉन नहीं। यार पेट्रोडॉन क्यों देख रहा हूँ मैं। ओके तो गाइज, वहाँ पे तीन ब्रोंटो है, एक डिप्लोडोकस है, और ब्रोंटो 96 लेवल का है गाइज। ओके 108 लेवल का है गाइज, 108 लेवल का हमें मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैमिना रिकवर कर लेते हैं हम, और अब हम जा रहे हैं गाइज 108 लेवल के ब्रोंटो को टेम करने के लिए। और देख सकते हो भाई, 108 मैंने सही देखा था ना। अरे दिखा दे, वो देखो भाई कौन सा ह्यूमन चल रहा है उधर पे, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, वो बंदर है। और यहाँ पे देखो गाइज, 96 लेवल का, ये भी ठीक ठाक ही है, बट मेरे को 108 लेवल का पकड़ना है। और मुझे एक बार जाके देखना पड़ेगा 108 लेवल का कौन सा डाइनो है। 96 का तो ये हो गया भाई, और दूसरा कितने का है,
दूसरा, अरे भाई दिखा दे यार, दिखा दे दूसरा, गया कहाँ भाई? ओके नहीं, तीसरा डाइनो, और ये रहा 108 लेवल का, वो शायद पहाड़ से नीचे गिर चुका है। इसी को हम टेम करने जा रहे गाइस, और मुझे यहाँ पे सारा एरिया क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको टेम करूँगा, और मैं नहीं चाहता कि टेमिंग के बीच में कोई मेरे को आए पैसिव डाइनो, कोई भी डाइनो तंग करने। तो लेट्स गो, यहाँ पे मुझे पूरा एरिया क्लियर करना पड़ेगा, भालू वालू सबको हटाना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे मैं इसका टॉर पर भी 14K है, बाप रे। ओ यार, मैंने तो यहाँ पे क्रॉसबो भी रिपेयर नहीं किया। लेट्स गो गाइस, मुझे आपको वर्क स्टेशन दिखाना था, मैं वहीं पे अपना रिपेयर भी कर लूँगा, अपने सारे टूल्स, अपने गियर, अपने आर्मर, और मैं आपको वर्क स्टेशन भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा पहाड़ों के ऊपर मेरा एक प्यारा सा वर्क स्टेशन, जो कि ये देखो यहाँ पे आयरन ही उसको प्रोटेक्ट करता है, उस वर्क स्टेशन को। मेरा एंक्लोसॉरस देख सकते हो यहाँ पे, मेरा एक छोटा सा वर्क स्टेशन है गाइस। ये तो टट्टी है गाइस। यहाँ पे मैंने आपको पिछले एपिसोड में आंकी को टेम करते हुए बताया था कि हमें एक जगह मिला जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, मेटल भरे पड़े, वहीं पे मैं आया हूँ जहाँ पे मैंने छोटे से अपने वर्क स्टेशन लगाया, रिफाइनिंग फॉर्ज लगाया, स्मिटी लगाया, और यहाँ पे मैं छोटा सा आयरनिंग का मतलब मेटल का बिजनेस करता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत भर भर के आंकी से मेटल्स तोड़ के यहीं पे उसको चेंज करता हूँ मेटल इंगट में। तो हमारे लिए बहुत इजी है, तो मैं अपने सारे आर्मर को ऐसे ईजिली रिपेयर कर लेता हूँ, अपने सारे वेपन्स को आराम से मैं रिकवर कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये हमारा बहुत ही तगड़ा बात है गाइज, मतलब अगर आपको भी मेटल चाहिए तो आप मेटल वाले एरिया में ही आ जाना, और आराम से अपने आंकी को तोड़ तोड़ के वहीं से मेटल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देख सकते हो सारा आर्मर मेरा रेडी हो चुका है मेरे बॉडी में लगने के लिए, और मैंने क्रॉसबो को भी रिपेयर कर लिया है। तो लेट्स गो गाइज, यहाँ पे गॉन्टलेट को भी कर लेते हैं, और हमारा सारे टूल्स रिपेयर्ड हो गए गाइज। लेट्स गो, पहन लेता हूँ मैं अपने आर्मर को, एंड ये देखो भाई, और मेरा क्रॉसबो भी रेडी है। लेट्स गो, दोनों को अपने हॉटबार सेक्शन में रख लेते हैं गाइज, एंड भाई रेडी टू रॉक हो चुके हैं, हम रेडी हो चुके हैं गाइज, अपना ब्रोंटो ये बकवास को हटाओ भाई, और रेडी टू रॉक हो चुके हैं गाइज। लेट्स गो, अब यहाँ पे सीधा हम चल लेंगे ब्रोंटो को टक्कर देने, ब्रोंटो को अनकॉन्शियस करके अपने टीम में सेलेक्ट करने। तो गाइज ये देख सकते हो, ये मेरा छोटा सा वर्क स्टेशन था, अब यहाँ से सीधा निकलते हैं भैया ब्रोंटो को टेम करने के लिए, उसको ट्रैंक करके, अनकॉन्शियस करके उसको, उसका तो नाम भी मैंने सोच लिया है, मैं उस बड़े से सौरापॉड ब्रोंटो को क्या नाम दूंगा। लेट्स गो गाइज, ये रहा हमारा 108 लेवल का ब्रोंटोसॉरस, इसको अब हम टेम करने जा रहे हैं, और मैं इसको टेम करने के लिए ना कहीं ऊंचे वाले एरिया से ही हिट करने वाला हूँ, इसको सीधा सीधा जाके मैं चैलेंज नहीं करूँगा। और इसका टॉर पर देखो गाइज, एक बार टॉर पर देखो, 14.8, अरे 14.8 यार काफ़ी है यार, काफ़ी पंगे करने पड़ेंगे। अब लेट्स गो गाइज, यहाँ पे मुझे एरिया भी क्लियर करना है यार, 12 लेवल का रेक्स है, इसको ख़त्म करते हैं, टेरर बर्ड है 60 लेवल का, ये सबको मुझे मारना पड़ेगा, ताकि ब्रोंटो अगर एक बार अनकॉन्शियस हो जाए तो ये चिंदी चिंदी डाइनोस आके उसको तंग ना करे। तो मुझे पहले इन सबको मारना पड़ेगा गाइज, उसके बाद ही मैं ट्रैंक करने जाऊंगा। तो देख सकते हो ये भी मर गया भाई, मैं अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है गाइज, देख सकते हो मेरा अर्जुन टेविस बहुत पावरफुल हो चुका है। ये छोटे मोटे डाइनोस को भी मारते हैं, और ये बेयर को भी इधर पे ख़त्म करते हैं भाई। मैं नहीं चाहता भाई कोई भी डाइनोज किसी से भी अट्रैक्ट होकर मेरे ब्रोंटो को टेमिंग में दिक्कत करे, तो हमें ये काम करना पड़ेगा गाइज, छोटे मोटे सारे डाइनोज को हटाना पड़ेगा। एंड ये देख सकते हो भाई, ये जो रेड रेड वाला एरिया है, इसको तो ज़रूर से हटाना। ये दो चीज़ है गाइज, यहाँ पे ट्रोडॉन नाम का और माइक्रो रैप्टर नाम के दो डाइनोज है, जो कि आपको बहुत खतरा डैमेज दे सकते हैं, भले वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए मैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ। और बहुत छोटे से दिख रहे, देख सकते हो वो भाग रहा है भाई, वो चूहे जैसा दिखने वाला डाइनो है, देख सकते हो भाग रहा कितना जोर से। ये रहा माइक्रो रैप्टर है, इसको भाई इसको ज़रूर से ख़त्म करना, क्योंकि आपको अपने 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 बैठे हुए डाइनोस के ऊपर से हटा सकता है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो सबसे पहले उसको अपने एरिया से मारना, और वो छोटा डाइनो है कहीं पर, ओ एक और टेरर बर्ड, थैंक यू भाई थैंक यू, मेरे सामने ही ले आके इसको मार दिया। ओके ओके गाइस, तो लेट्स गो, यहाँ से अब देखते हैं भाई, यहाँ पे छोटे मोटा, ओ ये कहाँ से भाई, ये कौन पेट्रोडॉन को कोई, अच्छा ये माइक्रो रैप्टर ही पेट्रोडॉन को अनकॉन्शियस कर दिया भाई। और ये देख सकते हो भाई, पिद्दी होके भी इतना बड़े डाइनोस को भाई सुला के मार रहा है भाई, ये क्या क्या, ओ भाई मेरे को भी चक्कर दे दिया। अरे अर्जेंट टेविस हेल्प कर दे,
इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा तभी हेल्प करेगा गाइस। न्यूट्रल करते हैं एंड इसको मार इस पिद्दी को मार भाई, इसको पिद्दी को हटा भाई, इतना पिद्दी हो कि इतना हमें तंग कर रहा है। ओके गाइस यहाँ पे अब हम निकलते हैं, अपने ब्रॉन्टो पे फोकस करते हैं, छोटा मोटा प्रॉब्लम को छोड़ते हैं। लेकिन रुक जाओ यार, इसको पहले मैं होश में लेके आ जाता हूँ, इस पीडी को थोड़ा सा होश में ले आते हैं, फिर उसके बाद हम अपने काम से काम रखेंगे। यहाँ पे जल्दी से इसको स्टिम बेरी खिला देते गाइस। स्टिम बेरी से क्या होता है कि जल्दी से हमारा ये पेट्राडॉन होश में आ जाता है। वैसे फोर्स फीड करने से टॉर्पर टूट जाता है, और देख सकते हो ये देखो टॉर्पर से उड़ चुका है ये। अब इसको उड़ने का वेट करते हैं। अबे उड़ जा उड़ जा उड़ जा भाई, नीचे रहेगा तो बचेगा नहीं, तो उड़ जा। अरे उड़ जा ना, अरे उड़ जा भाई। हाँ वो अब उड़ेगा। तो गाइज उड़ चुका है ये। अब यहाँ पे उसका जल्दी से हेल्थ रिकवर हो जाए और ये जल्दी से बड़ा डाइनो बन जाए, 8 से 80 लेवल का हो जाए। और यहाँ पे अब हम निकलते हैं गाइज अपने ब्रॉन्टो को टेम करने के लिए, 108 लेवल का ओपी डाइनो। सो लेट्स गो गाइज। यहाँ पे हम एक और माइक्रो रैप्टर मिल चुका है, और ये ब्रॉन्टो के बच्चे को भी इसने चिढ़ा दिया। आजा बेटे तेरे को ख़त्म करने दो। अबे पत्थर के बीच में अटका दिया यार ये छोटू ने, काफ़ी दिमाग है इसके पास। लेट्स गो। ओके मर चुका है 100 लेवल का माइक्रो रैप्टर। क्या हम माइक्रो रैप्टर को टेम कर सकते हैं? आई डोंट नो गाइस। यहाँ पे अब हमारा पूरा एरिया क्लियर हो चुका है, अब मुझे बस ऊपर जाके अपने ब्रॉन्टो को टेमिंग करना है। ब्रॉन्टो की शुरुआत करते हैं, और ऊपर भी खिचड़ी मचा हुआ है यार, ऊपर भी खिचड़ी है। इसको भी ख़त्म करते हैं, और एक और सेबर टूथ। ओके आजा बेटे तेरे को भी मारता हूँ मैं। और यहाँ पे छोटे मोटे डायनोस तो भैया मेरे अर्जेंट एविस के सामने टिक ही नहीं सकते भाई। मेरा अर्जेंट एविस बहुत पावरफुल हो चुका है, 229 लेवल का मेरा अर्जेंट एविस है, और उसका नाम मैंने हॉक ऐसे ही नहीं रखा है गाइज। काफ़ी पावरफुल है मेरा हॉक, मेरा अर्जेंट एविस। लेट्स गो गाइज। यहाँ पे अपने ब्रॉन्टो को अपना जलवा दिखाते गाइज, उसको जल्दी से अपना बनाते, अपना ट्रैंक एरोज अपने क्रॉसबो पर लोड करते हुए अब यहाँ पे हम उसको पहला तीर मारने वाले हैं। और पहला तीर निशाने पे लगते हुए, और ये देख सकते हो लग गया गाइज, लग गया पहला तीर निशाने पे। अब यहाँ पे हम उसको दे तीर 14,000 टॉर पर चढ़ाना है हमें उसको। काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन हम अपना उसको बना के रहेंगे। अब यहाँ पे जल्दी से उसका टॉर्पर का ब्रैकेट पूरा फुल करते हुए हम, काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन ठीक है भैया, धीरे धीरे कर ही लेंगे। और चलो भैया जल्दी, 1K का टॉर्पर हो चुका है गाइज। और ये ब्रॉन्टो भैया हमें बहुत ज़रूरत है, इससे हमें बेरीज को हार्वेस्ट कराना है, और भी बहुत काम हो सकता है भाई। वुड थैश सब कुछ इकट्ठा करेगा ये। और यहाँ पे गाइज एक सेबर टूथ स्पॉन लिया है, जो कि हमारे ब्रॉन्टो और टीमिंग में दिक्कत कर रहा है, और उस सेबर टूथ को ख़त्म करना ज़रूरी है। और ये देखो, ये देख सकते हो पिट्टी के पीछे पड़ा हुआ है, सॉरी गिली मिस पता नहीं क्या कौन सा डाइनो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसको ख़त्म करते हुए ऊपर ही से ख़त्म कर देंगे। एंड ये 16 लेवल का सेबर टूथ मर चुका है, और लेट्स गो बैक टू द ब्रॉन्टो। और 25% हो चुका है गाइस, 25% तो हो ही गया है ना, 15 में से 5% हो चुका है गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे गाइस मौसम बदल गया है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, देख सकते हो भाई। ब्रॉन्टो और ये सब थोड़ा सा विजिबल एरिया नहीं है, और यहाँ पे सेबर टूथ की बारिश हो रही है गाइस। सेबर टूथ का बच्चा भैया ब्रॉन्टो ही इसको ख़त्म कर देगा। ओके एक मर चुका है, एंड एक और है उसको पकड़ लेते गाइस। एक और कहाँ है भाई, एक और आवाज़ तो आ रहा है, कहाँ मार रहा है उसको? ओके मर गया, क्या मर गया, आई गेस मर चुका है गाइस। यहाँ पे एक और, ये देखो ये बिच्छी, जहरीला बिच्छी, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा हमें भाई। यहाँ पे रह रहे के बहुत सारे डाइनोज आते जा रहे, और उन सबको कम्प्लीटली ख़त्म करना ज़रूरी है गाइस, वरना ये देख सकते हो एक और ये ट्रोडॉन है, इसको भी ख़त्म करते हैं। ट्रोडॉन के बच्चे मर गया। ओके तो अपने ब्रॉन्टो को भैया फिर से ऊपर जाते हैं, और ये देख सकते हो गाइस मौसम भी इतना पीला हो गया पता नहीं क्यों। थोड़ा सा ब्रॉन्टो को अपने तरफ लेके आते हैं, वहाँ पे भाई खतरा है। ये ब्रॉन्टो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ शिफ्ट होते जा रहा है, और रेक्स वेक्स भी भाई स्पॉन ले चुके हैं, यहीं से मैं मारने वाला हूँ उसको। थोड़ा सा अपने साइड बुलाते हैं गाइस। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे एरोज मार चुके हैं, और 14K तक मैंने उसको बढ़ा दिया है। अब बस हमारे पास कुछ ही ट्रैंक एरोज बचे हुए हैं, और होपफुली ये हमसे हो जाए टीम। और यहाँ पे बस 8K है, मतलब 8 एरोज में तो हो जाने वाला। यार ये मेरे पीछे क्यों आ गया भाई, तेरा काम नहीं है क्या कोई भाई? अचानक से आके ये डाइनोज डरा देते हैं।
और ये टेरर बर्ड का बच्चा भैया मार दे अर्जुन डेविस, इतना पावरफुल हो के मार नहीं सकता क्या भाई? इसको 2 सेकंड लगना चाहिए, ये कितना टाइम ले रहा है। मार दे मार दे मार दे, मेरे पास बस मत लेके आइयो ये बकवास टेरर बर्ड को, मार देना। अबे मेरे पास मत लेके, मेरे पास क्यों लेके आ रहा, मेरे पास नहीं आना भाई, अर्जुन डेविस हेल्प कर यार। अरे मार देना प्लीज, मार दे इसको, मार दे। ओके ओके ओके, 96 लेवल का टेरर बर्ड मेरा टेरर दिल को टेरर कर दिया भैया। ओके तो भाई आठ तीर और मारने भाई, 8 तीर और मारना, और लग जा लग जा, लग गया लग गया लग गया गाइस लग गया, और जल्दी जल्दी लग जाना यार प्लीज़, काफ़ी टाइम लग रहा है। और यहाँ पे 14.3K हो चुका है, 14.4K हो चुका है, बस 4 एरोज और गाइस, 4 एरोज और 5। ओके 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 ओके, 3 एरोज और मारने गाइस। और यहाँ पे देखो यार, ये चोर आ गया यार, चोर को भगाना पड़ेगा हमें। ओके पेगो मास्टर, ये भी बहुत चोरी करता है गाइज, इन्वेंटरी से आपका चोरी करके लेके भाग जाएगा, इसलिए इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। ये बेरीज वेरीज या खाना पीना सब कुछ चोरी करता है गाइज, इसलिए बच के रहना। और ये देखो यार, ये कहाँ जा रहा है? ब्रोंटो भैया, ब्रोंटो उधर जा भाई, इधर खतरा है। स्पाइनो स्पाइनो सब है, सबको ख़त्म करना पड़ेगा इसके चक्कर में। लेट्स गो, इसको भी ख़त्म करते हैं। एंड यहाँ पे एक और रेक्स भी है भाई, रेक्स भी है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा यार। फालतू में बेवजह मुझे ये सारे डायनोस को ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्रोंटो अपने जगह से कहीं कहीं और जा रहे हैं और वहाँ पे खतरा है। ओके स्पाइनो मर चुका है, एंड अपने रेक्स को भी ख़त्म कर दिया हमने। अब यहाँ पे भैया ब्रोंटो को भाई, इसको बेहोश कर देता हूँ, इसको 2 एरोज और मारने और ये बेहोश हो जाएगा। इसको इधर ही पे बेहोश करते गाइस, क्योंकि अबे यार कार्नो भी है उधर पे। ओके गाइस, इसको बेहोश करते हैं, फिर उसके बाद एरिया क्लियर करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं चल चल के भग भग के कहाँ कहाँ चल जा रहा है, और फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओके यहाँ पे, ओके तो फाइनली हमारा अनकॉन्शियस हो गया है, और अब हम इधर पे थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसका इन्वेंटरी, इसका फूड के इन्वेंट मतलब फूड वाले एरिया को ख़त्म करने देंगे, इसका फूड थोड़ा सा कम होने देंगे, फिर अचानक से बेरीज डालेंगे तो जल्दी से टेम हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करेंगे गाइस, और यहाँ पे मेरे को भी भूख लग चुका है भाई, मेरे को भी भाई करना पड़ेगा भूख का। ओके भूख के लिए हमारे पास कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, मेरा पता नहीं ये सब चोरी कर लेते हैं यार, ये बकवास डाइनोस। पेगो मास्टेक्स जो भी नाम है, ये हमारे इन्वेंटरी से खाना लेके भाग चुका है, इसलिए मैं इसके जितने भी प्रजाति देखूंगा तो भैया उसको ख़त्म करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ा सा थैश वैश से कुकिंग के लिए कुछ करने वाले हैं गाइस, क्योंकि मुझे भूख लग रहा है और मैं नहीं चाहता यहाँ पे मैं मरूँ, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी थैश वुड और स्टोन और फ्लिंट लेना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे स्टोन भी मिल चुका है, जल्दी से हार्वेस्ट कर लेते हैं, और आई गेस इतना इनफ होगा, बन तो जाना चाहिए। नहीं बनेगा यार, अभी भी स्टोन हमारे कमी है, स्टोन लेके आना पड़ेगा गाइस। दो चार हिट, एक और लग जा भाई, इससे नहीं। ओके अब हो गया गाइस हमारा पूरा स्टोन का कमी, अब यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं फायर कैंप, और उसके बाद हम जल्दी से खाना बनाएंगे, ताकि भैया मेरे को चक्कर आने वाला है खाना खाए बिना, इसलिए हमें जल्दी बनाना पड़ेगा। और जल्दी बन जा भैया, और मेरे पास तो मीट भी नहीं है, मेरे अर्जुन टेबल के पास मीट है गाइस, वो हमें दे सकता है। यहाँ पे जल्दी से फायर और थाश रख देते हैं इसके अंदर, और भैया मीट दे दे प्लीज़ अर्जुन डेविस, मेरे हॉक मीट दे दे। कहाँ ऊपर चढ़ गया भाई, इधर नीचे आ प्लीज़ दे दे। अबे दे देना भाई, बैठ जा। ओके बैठा देते इसको पहले तो भाई, क्या ही अलग ही प्रॉब्लम है इसका, जल्दी से दे दे भाई, मेरे को चक्कर आने वाला गाइस। देख सकते हो मेरा भी टॉर्पर लेवल बहुत इंसेनली ऊपर हो चुका है, अब यहाँ पर जल्दी से खाना पड़ेगा हमें। ओके ओके ओके, फायर कैंप में जाओ, जल्दी डालो भाई जल। ओके 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 ओके, हो चुका है, अब जल्दी से पकने देते गाइस, फिर उसके बाद अपने पेट में डालने वाले, क्योंकि मेरा टॉर्पर लेवल इंसेनली ऊपर जा रहा है, और मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ, और बेहोश हो जाऊँगा तो पता नहीं कोई भी आके मुझे मार सकता है इजिली, मेरा अर्जुन डेविस भी मदद नहीं करने वाला। फिर उसके बाद मुझे भग के आना पड़ेगा इधर अकेले, और देख सकते हो भाई कितना ओके ओके फाइनली हो चुका है हमारा खाना, मैंने खा लिया है, पेट थोड़ा शांति मिला मेरे पेट को। अब यहाँ पे हम आगे का काम देखते हैं गाइस, ब्रोंटो के लिए सैडल वैडल भी बनाना है, फिर उसके बाद लेके आना है, और मोजो बेरी मुझे अपने ब्रोंटो को खिलाना है। यू नो माई मोजो बेरी इज़ वेरी फेवरेट हेयर, आई लाइक मोजो बेरी वेरी वेरी मच। लेट्स गो गाइस, जल्दी से मोजो बेरी इकट्ठा करते हैं और ब्रोंटो के अंदर डालते हैं। और ये कौन टेम हो गया अभी, ये कौन टेम हो गया, इसको मैंने कब टेम किया भाई, ये सड़ीला डाइनो कहाँ से आ गया भाई, इसको मैंने कब भी टेम नहीं किया अभी, ये अरे अचानक से टीम हुआ, ये कैसे टीम हुआ भाई, पता नहीं मुझे।
और मुझे मोजो बेरी चाहिए था। लेट्स गो गाइस, जल्दी से मोजो बेरी इकट्ठा करके फिर इसका देखते हैं। ये मेरे कंधे पे आके बैठ गया भाई, इतना ये कौन भी पता नहीं यार, मैं क्या भी कुछ भी बोल रहा हूँ। इसको पहले थोड़ा सा खाना देते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कहाँ से आ गया मेरे पीछे, कहाँ से टीम हो गया ये पेगो मास्टर। इसको तो मैंने टीम किया ही नहीं था गाइस। ओके यार, ये कहाँ से एक्सेस इन्वेंटरी करूँ इसका। ओके यहाँ से दे देते इसके अंदर मोजो बेरीज। ओके तो गाइस अब यहाँ पे भाई ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया भाई, मैंने इसको तो टीम किया ही नहीं। पेगो मास्टर्स, पता नहीं क्या नाम है इसका, बकवास सा दिख रहा भैया, मेरे पीठ के पीछे लग चुका है और इतना बकवास मैंने देखा ही नहीं। तो लेट्स गो गाइस, इसको हम निकालते हैं अपने बदन से और देखते हैं ये क्या कर सकता है। ये पिकअप, मतलब पिकअप से तो मैं इसको अपने आर्म में बैठा सकता हूँ, लेकिन मुझे बैठाना नहीं है ऐसे। और ये फास्ट पिकिंग पॉकेटिंग क्या है भाई, ये किसी का चोरी कर सकता है क्या? आई गेस ये किसी चीज़ को चोरी कर सकता है गाइस। पिकिंग पॉकेटिंग यही होता है गाइस, चोरी करना होता है। ये चोर डाइनो है और ये इसने मेरा ही टेंटो बेरीज चोरी किया है। और रेगुलर पिक पॉकेटिंग कर लेते हैं। और क्या ये पिक पॉकेटिंग कर सकता है किसी डाइनो का? लेट्स गो गाइस, इसको देखते हैं क्या ये चोरी कर सकते हैं इसको पिक करके। ओके ये बेयर पे ट्राई करते हैं, क्या ये कुछ काम का है डाइनो या बकवास है इसका चोरी कर। ये तो मारने वाला है ये तो। अबे मेरे को मत मार, मेरे को मार दिया भाई, मेरे को मार दिया, मेरे को बचा। अर्जेंट डेविस, अर्जेंट डेविस, अरे यार ऊपर आ जा वरना तू भी मर गया। ओ नो, मर गया गाइस, मुझे मारना नहीं था यार, बचा ले अर्जेंट डेविस, अर्जेंट डेविस प्लीज बचा ले। अरे मेरे को वो डाइनो मारना नहीं था गाइस, लेकिन तब भी यार मर गया, वैसे भी मुझे चाहिए नहीं था गाइस। लेट्स गो यहाँ पे, अभी इधर पे हम अपना आर्म अपना कैंप में देखते हैं कितना खाना पका और अपना पेट पूजा कर लेते हैं। ओके इतना काफ़ी है और ये सबको मैं तोड़ देता हूँ। देखो भाई इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है, इसलिए अपना फैलाया हुआ गंद मैं खुद ब खुद डिस्ट्रॉय डिमोलिश जो भी है वो कर देता हूँ। और यहाँ पे खाना वाना तो पक ही गया आई गेस, मेरा 20 तो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। अब यहाँ पे अपना ब्रोंटो भी देख सकते हैं गाइस, 88% हो चुका है इसका टेमिंग। अब यहाँ पे कुछ ही मिनटों में अपना ब्रोंटो भी टेम हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने घर लेके जाएंगे अपने ब्रोंटो को। इधर से भैया इधर पे बहुत खतरा है, काफ़ी डाइनोज पल पल में डाइनोज आते रहते हैं खतरनाक वाले। तो यहाँ पे 90% हो चुका है गाइस, अब आई गेस होने ही वाला है टाइम, 10% और बचा। अबे मारना नहीं था भाई, उसका इफेक्टिवनेस ड्रॉप हो जाएगा गाइस। अब यहाँ पे जल्दी से देखते भाई, सब कुछ तो है भाई, हो जाएगा अभी, हमें ज़्यादा इसको अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है खाना पीना। और ओके गाइस हमारा फाइनली 99.8% ब्रोंटो टीम हो चुका है गाइस, 100% टीम हो चुका है। अब इसका नाम मैंने सोच के रखा है गाइस, इसका नाम मैं स्लो पोक रखने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्लो है, इतना बड़ा डाइनो होके इतना स्लो है पता नहीं क्यों। लेट्स गो गाइस, इसका नाम मैंने स्लो पोक रख दिया है और 161 लेवल का है। अब इसको हम सीधा घर लेके जाने वाले हैं, यहाँ पे रहना बहुत बहुत मुश्किल है। इसको पहले सैडल पहना देते हैं गाइस, मैंने सैडल अपने वर्क स्टेशन, मतलब वो मेटल वाले वर्क स्टेशन से लेके आ गया था। अब यहाँ पे लेट्स गो गाइस, इसका स्पीड तो भैया मुसीबत है, काफ़ी स्लो है गाइस, और मुझे कम से कम 10-20 किलोमीटर तो नापना पड़ेगा इससे, यानी काफ़ी टाइम लगने वाला। और देख सकते हो भाई इसके चलने से ही सारे डाइनोज उड़ रहे हैं भाई, काफ़ी पावरफुल है ये हमारा ब्रोंटोसोरस। मतलब इसका हाइट देख सकते हो भाई, इतना बड़ा है कि मैं उसके सामने बहुत छोटा सा गिड्डू लग रहा हूँ। ओ भाई मेरे को कहाँ लेके जा रही है ब्रोंटो का बच्चा। सो गाइस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 2000 years later 2000 साल हो गए भाई, 2000 साल, 2000 साल से रगड़ रगड़ के धरती में रेंग रेंग के घर पहुंचा हूँ, रेंग रेंग के।